हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो। आज दो तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है किस तरह से हम एक फेल ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। फेल ब्रेकआउट में भी हम दो तरह के ब्रेकआउट्स देखेंगे। एक तो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस का ब्रेकआउट एंड सेकंड ब्रेकआउट जो है हमारा वो है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। किस तरह से एक ट्रेंड लाइन के फेल ब्रेकआउट को हम लोग पहचानेंगे और किस तरह से उसको अपने डायरेक्शन में हम लोग यूज कर ले जाएंगे एक सही ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। एंड सेकंड सिस्टम जो हमारा है, सेकंड स्ट्रेटजी है ट्रेड करने की, वो है एक मूविंग एवरेज। एक सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू किस तरह से हम ट्रेड कर पाएंगे और कैसे एक सिंपल मूविंग एवरेज का बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे अपने ट्रेड के लिए, उस पर हम लोग अपनी एंट्री और एग्जिट देखेंगे। तो आज के ये जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इनको सबको हम एक डीपली डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं एंड एंट्री और स्टॉप लॉस से लेकर के इसके अंदर कहाँ तक अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक फेल ब्रेकआउट के बारे में। फेल ब्रेकआउट में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे निकल के आएगा वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस का ब्रेकआउट। अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस के ब्रेकआउट को किस तरह से हमें ट्रेड करना हो, एक बहुत बड़ी जो गलती होती है फेल ब्रेकआउट को लेकर के कि उसमें ब्रेकआउट्स के बाद में कई सारे लोग ट्रैप होते हैं, मालूम नहीं होता है कि किस तरह से हम उसे ट्रेड करेंगे। लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये है, ओके, अब प्राइस इसके ऊपर नीचे इस तरह से करके हमारा प्राइस ट्रेवल कर रहा है। यहां से जैसे ही प्राइस मेरा नीचे निकला हम लोग क्या मान लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है। एक्चुअली फेल ब्रेकआउट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है इस समझिएगा। प्राइस में एक ही सपोर्ट बन रहा है मेरा, एक रेंज के पास में जाकर के प्राइस मेरा कई बार सपोर्ट ले रहा है, उसको जैसे ही प्राइस ने यहां से लाइक डाउन साइड की तरफ जैसे ही ब्रेक किया हम क्या करते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया है। अब ये फेल ब्रेकआउट है तो बाद में पता चलेगा ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो या कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, यहां से भी शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। बट इसके अंदर ये जो रिवर्सल आता है, कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक स्टॉक दिया था आईसीआईसी बैंक को, उसके नीचे लिख दिया था हमने कि अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो ही आप इसको शॉर्ट कीजिएगा। उसके पीछे का रीजन क्या था अभी चलेंगे हम लोग चार्ट के ऊपर, तब उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिएगा, एक तो ये अपनी बेसिक सपोर्ट लाइन हो गई। प्राइस मूवमेंट यहां से शुरू होकर के जब अपने सपोर्ट पॉइंट तक आता है तो यहाँ इसके अंदर से आते हैं रिवर्सल, ओके। प्राइस डाउन साइड की तरफ आया और डाउन साइड से ये जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर रिवर्सल्स आते हैं, अप साइड की तरफ में प्राइस मूव हो रहा है। ब्रेकआउट हुए तो हमको लगा कि ये ब्रेकआउट है, हमने यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ओके। बट ये एक बेसिक सपोर्ट लाइन होगी। इसके बाद में एक चीज हमको देखनी है, हम कोशिश करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करने की। ये तो नॉर्मल हो गया कि प्राइस ने जैसे ही डाउन साइड की तरफ आपको ब्रेकआउट दिखाया आपने शॉर्ट मार दिया, बट ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, बहुत एक नॉर्मल सा सिस्टम है। आपने देखा शॉर्ट मार दिया, बाद में प्राइस अप साइड की तरफ पलटा और आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ, ये बाद में पता चला कि ये एक तरह का फेल्ड ब्रेकआउट था। इससे बचने के लिए और इसको और एडवांस लेवल पर यूज करने की कोशिश कीजिए आप यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करें। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट्स, बिकॉज जो भी आपका टाइम फ्रेम है, जैसे कि आपने 15 मिनट्स पर ये ब्रेकआउट देखा और आप ट्रेड करने पहुंच गए, इसके लिए कोशिश करिए कि 15 मिनट के ब्रेकआउट तो देखिए ही, मतलब जब प्राइस हमारा ब्रेकआउट कर रहा है उससे पहले आप एक टाइम फ्रेम और लगा लीजिए डेली टाइम फ्रेम। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम लगा लोगे आपको एक बेसिक सपोर्ट लाइन से हट करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जिसको कि हम कहेंगे हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन। और अब बारी आती है जो सेकंड टाइम फ्रेम हम लेंगे उसको, एक बार तुमने बोला कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, अभी हो सकता है कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो या फिर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो या फिर आप 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हो, जो भी आपका अपना टाइम फ्रेम है आप उसको यहाँ पर अप्लाई करोगे। बट एक चीज इसके अंदर ऐड कीजिएगा, हायर टाइम फ्रेम, उसको किस तरह से देखना है अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। यहां तक क्लियर कि प्राइस के अंदर एक नॉर्मल 5 मिनट्स का ब्रेकआउट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक 5 मिनट की एक ट्रेंड लाइन है, जिसको कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन सॉरी एक सपोर्ट लाइन है, उसको प्राइस ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक नॉर्मल हमारा बिहेवियर होता है कि हम ये मानते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो गया है और हम इसे शॉर्ट कर दें। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक हायर टाइम फ्रेम की, तो हायर टाइम फ्रेम में कैसे यहाँ पर सपोर्ट देगा, जैसे ही प्राइस ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिखाया इसके नीचे ऐसे पॉसिबल पॉइंट्स में फाइंड करने होते हैं जहां से कि हमारा प्राइस अप साइड की तरफ मूव कर जाए। प्राइस गिरते 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 आया और एक हायर टाइम फ्रेम की आपकी एक लाइन है जो कि एक सपोर्ट आपका बनेगी यहाँ पर, और हमें ये देखना होगा क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेड करना है, ट्रेड करने से पहले हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं जहां से
पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि इस एक पॉइंट से आपका प्राइस रिवर्स कर सकता है। जैसे कि आप उसके लिए यूज कर सकते हो फिबोनाची का। फिबोनाची के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से फिबोनाची को रीड कर पाओगे। फिबोनाची की भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप और भी अच्छी तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। फिलहाल अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने क्लियर करी। एक तो डेली टाइम फ्रेम, उसको हमें देख लेना है। एक बार फिर से समझिए कि प्राइस को आप ट्रेड करना चाह रहे हो, ओके, ये डाउन साइड की तरफ आपने उसको मार्क किया, या फिर प्राइस हमारा इवन अपसाइड की तरफ भी अगर ब्रेकआउट दिखा रहा है इस तरह से करते हुए, और आपने यहां पर क्या किया कि बाइंग की, ओके, क्योंकि प्राइस ने बेशक अपसाइड की तरफ अगर इसने ब्रेकआउट दिखाया तो आप यहां से बाई करोगे। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पर भी कुछ एक पॉसिबल सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पॉइंट्स होंगे जहां पर कि हमें सतर्क रहना होगा। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कहां से करना है। क्या प्राइस अगर हमारा ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे ही प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे या इवन अप साइड की तरफ भी ब्रेक करे, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट कब तक करना है? प्राइस के अंदर ये जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें यहां पर शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करने के लिए हमें देखना होगा कि प्राइस का जो बेसिक सपोर्ट लाइन से हट करके हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन है, प्राइस उसके भी नीचे की दिशा में जाकर के ट्रेवल करने लगेगा, तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। प्राइस मेरा हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट लाइन से भी नीचे आकर के ब्रेकआउट करने शुरू कर देगा अपनी लाइंस के, तब हम इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग है वो हमें अपने बेसिक सपोर्ट लाइन से नहीं करनी। बेसिक इन द सेंस कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन है मेरी, यहां से हमें कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर हायर टाइम फ्रेम के पास से प्राइस मेरा रिवर्स हो रहा है अपसाइड की तरफ, तो क्या हम यहां से बाइंग कर सकते हैं? ये वाली जो लाइन है हमारी, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन मेरी है, अगर प्राइस इसके अपसाइड की तरफ जाकर के यहां पर आया और यहां से ये अपसाइड में जाने लगा, तो क्या हम यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं? बिकॉज ये तो सपोर्ट है और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर चाहें तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। लेकिन नहीं, हमें यहाँ से बाइंग भी नहीं करनी है। अब देखिए, एक एक करके सारे पॉइंट समझते जाइए। सेलिंग भी जल्दी नहीं करनी कि ब्रेकआउट हुआ फट से हम शॉर्ट कर दें, दो चार रुपए लेकर के निकल जाएंगे, ये अप्रोच नहीं। आरआर हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, या फिर प्राइस अपने सपोर्ट पर आया इस एक पॉइंट पर हम यहाँ से बाइंग कर लें। ऐसा भी नहीं होगा कि जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट पर आया आपने यहाँ से बाइंग कर ली। वेट करना होगा हमको प्राइस में अपसाइड की मूवमेंट, जब तक अपने हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से उठ करके प्राइस हमारा बेसिक सपोर्ट लाइन के ऊपर नहीं चला जाएगा, तब तक आप यहां से बाइंग नहीं करोगे। बाइंग करने का जो एक सही लेवल होगा ब्रेकआउट होने के बाद में, जो बाइंग आप करोगे वो हायर टाइम फ्रेम से प्राइस से रिजेक्ट होकर के वापस से अपने बेसिक सपोर्ट लाइन की रेंज के अंदर आकर के ट्रेड करने लगेगा, तब यहां से हम लोग इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और जैसे ही प्राइस मेरा हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन के नीचे आकर के ट्रेड करने लगेगा और अपने लोस ब्रेक करने लगेगा, तब हम शॉर्ट करेंगे। ये वाला जो मेरा पॉइंट है, प्राइस जब अपने सपोर्ट्स को पूरी तरह से ब्रेक करके यहां से लोस को भी ब्रेक करने लगेगा, तब हम शॉर्ट करेंगे। ना तो इसे एक हाईलाइटेड पॉइंट से हमको शॉर्ट करना है और ना ही इसे एक हाईलाइटेड पॉइंट से हमको बाइंग करना है। यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बिकॉज अभी चार्ट पर चलेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये दो पॉइंट्स तो हमको समझ में आ गए, ओके, एंड अब बाइंग कहां से करनी वो भी हमने आपको बताया। एंड जब प्राइस वापस हमारा हमारी रेंज के अंदर जाने लगेगा, तब तक हमें वेट करना है, हम बाइंग नहीं करेंगे। और जब प्राइस हमारा नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हम इसके अंदर सेलिंग नहीं करेंगे। छोटी सी चीज याद रखी गई, ये ICICI बैंक का चार्ट है एंड डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर प्राइस में 740 रुपये, अगर आप ICICI बैंक को देखते हो तो आपको मालूम होगा ये जो 740 रुपये की रेंज ICICI बैंक के लिए एक बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट का काम करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो 740 रुपये, इस पॉइंट से भी प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया है एंड यहाँ पर भी प्राइस ने बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट किया। पॉइंट को याद रखिएगा, प्राइस हमारा कि 740 रुपये। अभी हम चलेंगे सीधे इसके लोअर टाइम फ्रेम पर एंड करंट जो इसके अंदर ब्रेकआउट हुए हैं डाउन साइड की तरफ, वो हमारे हुए हैं 14th ऑफ फरवरी, एक मदर कैंडल फॉर्म हुई थी। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं। 15th ऑफ फरवरी की कैंडल हमारी एक मदर कैंडल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके नीचे प्राइस के ब्रेकआउट होते तो इसको नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए। बट अभी हमने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर हमने बोला था कि प्राइस में ICICI बैंक में अगर हो सके तो शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज 740 रुपये की ये जो रेंज है ना, ये एक सपोर्ट का पॉइंट है। यहाँ तक देखिए, प्राइस हमारा नीचे की दिशा तक गिरा है, नीचे के डायरेक्शन में आया एंड गिर जाने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में वापस से ब्रेकआउट फेल हुआ और ये अपसाइड की तरफ निकल गया। तो ये एक छोटी सी चीज़ है।
आपको हायर टाइम फ्रेम पर देखना है। प्राइस अगर आपका किसी एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, एंट्री लेने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि क्या वहां पर कोई सपोर्ट तो नहीं है जहां से प्राइस मेरा रिवर्स कर जाएगा। एंड अब चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर। एंड अब लोअर टाइम फ्रेम पर और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 15th February की कैंडल का जो लो था मेरा वो था 743.20। ICICI बैंक का जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट पॉइंट है वो है 740। प्राइस ने देखिए क्या किया, 15th February की कैंडल का लो ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद में 740 के नीचे नहीं गया है और यहीं से ये ऊपर चला गया। ना ही हमें यहाँ से बाइंग करनी है और ना ही हमें सेलिंग करनी, कब तक, जब तक के प्राइस मेरा बाइंग जोन में ना आ जाए। कल का जो मेरा व्यू था ICICI बैंक को लेकर के वो था शॉर्ट साइड की तरफ, लेकिन प्राइस बाई हो गया, हमने कोई अपॉर्चुनिटी इसके अंदर फाइंड नहीं की और ना ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हाँ, हम शॉर्ट करते अगर प्राइस मेरा डे लो ब्रेक कर देता, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ निकलता, सो कल कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस ज़रूर लेने। प्राइस अगर किसी एक रेंज को ब्रेक कर, एक रेंज को ब्रेक कर रहा है तो उसके अंदर का एक पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट हमेशा अपने पास मार्क करके रखिए, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस सेफ रहे। प्राइस के डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ, ब्रेकआउट, रिवर्सल और प्राइस वापस से अप साइड चला गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो और उस फेक ब्रेकआउट को अपने डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। अगर मेरा व्यू इसके अंदर बाइंग का होता ICICI बैंक को, तो कल हमें बहुत अच्छा मूव होता। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस का फेल ब्रेकआउट, और अब ट्रेंड लाइंस के फेल ब्रेकआउट को किस तरह से हम लोगों को जज करना होगा। ट्रेंड लाइंस को भी जब हम रीड करेंगे तो सिंपल सी जो काम हमने यहाँ पर किया है सेम काम हमको वहां पर भी करना होगा। टाइम फ्रेम जो दो टाइम फ्रेम ने यहाँ पर आपको बताए वही दो टाइम फ्रेम आपको उस पर भी रखने हैं, जो भी आपका इंडिविजुअल टाइम फ्रेम है, लाइक जिसके ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस है 5 मिनट्स 10 मिनट 15 मिनट्स, जैसा कि हमने अभी कहा वो आप रख सकते हो। एंड हायर टाइम फ्रेम एक बार जरूर ले लीजिएगा, यानी कि डे टाइम फ्रेम को। अब लाइक कि प्राइस आपका अप साइड की तरफ मूव कर रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। अप मूवमेंट में क्या होगा कि प्राइस के जो ब्रेकआउट्स होंगे, लाइक सबसे पहले तो यहाँ पर लोअर लोज नहीं लगेंगे, इस तरह से प्राइस आपका हायर हाई से एंड हायर लोज के साथ अप साइड की तरफ जा रहा है। जैसे ही प्राइस का ब्रेकआउट आपका डाउन साइड की तरफ हुआ, अपने शॉर्ट करने के बाद में यहां से फिर वापस आपका प्राइस अपसाइड की तरफ निकल गया, एंड शॉर्ट करने के बाद में वापस प्राइस आपका रिवर्स हो और ये अपसाइड की तरफ निकल गया। अब जितने भी आपके स्टॉप लॉस थे सारे के सारे यहाँ पर आपके जाएंगे, एंड जितने भी अब आपके स्टॉप लॉस थे सारे के सारे यहाँ से आपके जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप स्विंग हाई पर रखो या कहीं पर भी अपने स्टॉप लॉस रखो, मूवमेंट इतने बड़े होंगे कि यहाँ से आपके स्टॉप लॉस जाएंगे। अभी फेल ब्रेकआउट होने के बाद में जब भी एक ब्रेकआउट फेल होता है तो मूवमेंट काफी हैवी इसके अंदर आते हैं, सो काफी अवेयर और सतर्क रहने का पॉइंट होगा ये वाला। तो फर्स्ट ये तो हो गई मेरी एक बेसिक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो फर्स्ट ये जो ट्रेंड लाइन मेरी है ये एक बेसिक ट्रेंड लाइन ऑफ सपोर्ट है, एंड यहाँ पर भी हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फेल ब्रेकआउट की तरह ही हायर टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट लाइन चाहिए एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में। एंड ये वाली जो मेरी लाइन है ये एक हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट लाइन है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट लाइन और एक बेसिक सपोर्ट लाइन। मेरे पास टोटल कितनी ट्रेंड लाइन हो गई, 2 ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर हमें कैसे काम करना होगा, प्राइस जैसे ही अपने ब्रेकआउट्स देने शुरू करे डाउन साइड की तरफ प्राइस अगर निकलता है तो शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें रुकना है फॉर अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का वेट आपको यहाँ पर करना होगा, अगर कंफर्मेशन का वेट आपने नहीं किया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके स्टॉप लॉस जाएंगे। प्राइस ने ब्रेकआउट देने शुरू किए, शॉर्ट मत कर दीजिए। जब प्राइस मेरा यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है हमें वेट करना होगा कि प्राइस मेरी इस प्री डिफाइंड सपोर्ट लेवल तक आए। जब प्राइस इस रेंज पर भी आने के बाद हाई लगा करके डाउन साइड की तरफ जब प्राइस मेरा निकलेगा और अपने लोज ब्रेक करेगा तब हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर भी दो पॉइंट्स होंगे अवेयर रहने, हमें करना क्या नहीं है, ना तो इस हाईलाइटेड पॉइंट से हमको शॉर्ट करना है और ना ही इस हाईलाइटेड पॉइंट से हमको बाई करना है। बाइंग कब करना है, वापस प्राइस मेरा बेसिक सपोर्ट लाइन के ऊपर की तरफ जाकर के ट्रेड करने लगे। बेसिक सपोर्ट लाइन इन द सेंस डाउन साइड की तरफ आया, हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट लिया और वापस से प्राइस अगर आपका डाउन साइड की तरफ गया, इसके अंदर मूवमेंट काफी बड़े होते हैं और आपको इस एक बिग मूवमेंट का ही वेट। लेट्स मूव ऑन टू चार्ट, एंड अब चार्ट पर चल करके समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट में हमें इसको किस तरह से अप्लाई करना है। सिप्ला का ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसके अंदर हमने अपना एक स्विंग मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम का। ये सिप्ला के लिए एक रेजिस्टेंस है 9.5535। एग्जैक्ट प्राइस उसी रेंज पर इसने अपना एक स्विंग लगाया, एंड स्विंग के बाद में प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिर गया, लोअर लोज एंड लोअर हाइज के थ्रू। प्राइस अगेन मेरा उस रेंज पर गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से प्राइस ने रिजेक्शंस दिखाए हैं। तो हमने हायर टाइम फ्रेम पर अपनी एक रेंज मार्क कर ली 9.5535। अभी जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो यहाँ से आपको इसके अंदर होने वाले रिजेक्शंस देखने को मिलेंगे। सो मूव ऑन टू लोअर टाइम फ्रेम। सिप्ला का एग्जांपल लेते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को समझने के लिए।
सिप्ला में ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस जब जब इस एक पॉइंट से टकराता है तो डाउन साइड की तरफ मूव आता है, और प्राइस में देखिए अप साइड की तरफ भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस कितनी अच्छी तरह से अप साइड की तरफ गया है। एंड डाउन साइड की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है ये एक अच्छी तरह से प्राइस को रिस्पेक्ट कर रही है अप साइड में जाने के लिए। जब टकराता है प्राइस तो अप साइड की तरफ, यहाँ से भी टकराता है अप साइड की तरफ, एंड अगेन लास्ट में प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट होने के बाद में इसके अंदर आप देख सकते हो एक सडन मूव सेम पॉइंट से आया है। अब सडन मूव ये जो आया है सपोर्ट को ब्रेक किया है प्राइस ने, और अब ये सेम सपोर्ट ही आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एंड प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं। परफेक्ट। एंड जब हम इसको जूम इन करते हैं तो देखिए क्या एक छोटी सी चीज़ हमको समझ में आती है कि प्राइस ने यहाँ पर हमारे दो दिन का हाई ब्रेक किया है। दो दिन का हाई ब्रेक करने के बाद में वापस प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कोई भी यहाँ पर बाइंग करेगा, एक बड़ा सा सडन मूव आया। लेकिन प्राइस के अंदर जो रिवर्सल्स आए वो 955.35 की रेंज से सप्लाई के अंदर देखने को मिले, एंड जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद में अपने रिवर्सल प्राइस 955.35 से टकराता है वापस से अपनी रेंज के अंदर आ गया। एंड रेंज के अंदर आ जाने के बाद में इसके अंदर के देखिए कितने शार्प मूवमेंट आपको दिखे। दो दिन तक प्राइस लगातार हमारा गिरा है सिप्ला का। बाइंग और सेलिंग हमने बोला आपसे कि हमें नहीं करनी होगी, ना तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाइंग कर देंगे और ना ही यहाँ से सेलिंग करेंगे। बाइंग करनी होगी तो रिवर्सल प्राइस के अपसाइड की तरफ, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का जो पॉइंट है हमारा, प्राइस जब उसके ऊपर जा करके निकल जाएगा यहाँ पर तब हम बाइंग करेंगे। एंड सेलिंग करनी होगी तो यहाँ से प्राइस में मूव हो जाने के बाद में हम डाउन साइड की तरफ से शॉर्ट सेलिंग करेंगे। बीच का जो एरिया होगा यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हमें बाइंग करनी ना ही सेलिंग करनी है, अपने कन्फर्मेशन का हमको वेट करना होगा। अब यहाँ पर अगर हमें एंट्री लेनी है तो प्राइस जैसे हमारी रेंज के नीचे आया हम यहाँ से उसको शॉर्ट करेंगे। जो भी मेरा स्विंग होगा हम अपने स्विंग्स लगाएंगे एंड डाउन साइड की तरफ, या तो आप अपने आरआर के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को बुक करोगे या फिर अपने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। टेक्निकली अगर आपको बुक करना है तो आपको सपोर्ट फाइंड करने होंगे, नियरेस्ट सपोर्ट कौन से हैं, और अगर आरआर के साथ करना तो एक रुपये का रिस्क होगा आपका, तो दो या तीन रुपये का, चार रुपये का आपका, जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप अपने टारगेट्स बुक करोगे। मिनिमम अगर हमारा एक रुपये का रिस्क है तो हम तीन रुपये तक इसके अंदर बुक करने की कोशिश करेंगे। एंड अब हम डिस्कशन करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के ऊपर। एक प्रैक्टिशियर के तौर पर जब हम शुरुआत कर रहे थे तो स्टार्टिंग में हमने इस स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, एंड इसे काफ़ी सारे ट्रेड भी एग्जीक्यूट किए थे। अभी सिंपल मूविंग एवरेज में होता क्या है, अब सिंपली हम क्या करते हैं, कैंडल्स को ही रीड करते हैं और कैंडल्स के थ्रू ही काम करते हैं, एंड उसके ऊपर ही हमारा अब सबसे ज़्यादा बिलीव कैंडल्स के ऊपर। बट इस स्ट्रेटजी का यूज़ आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआती फेज में हो तो इस सिंपल सी स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो प्राइस एक्शन। कम कम क्वांटिटीज के साथ काम कीजिएगा और एकदम से क्वांटिटीज इंक्रीज मत कर दीजिएगा। अभी सिंपल मूविंग एवरेज में देखिए करना क्या, आपको सिंपल मूविंग एवरेज का सिर्फ सपोर्ट लेना है। काम यहाँ पर भी हम लोग प्राइस एक्शन से ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे कुछ रूल्स लिख लेते हैं। किसी भी सिस्टम के थ्रू आप काम करो, बट कोई भी सिस्टम हो आपके रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए। जैसे कि यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे ये जो मूविंग एवरेज हमारी इसको 22 रखना है, जो वैल्यू होगी हमारी वो 22 मूविंग एवरेज की होगी। एंड दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि प्राइस मेरा दूर जा रहा है पास आ रहा है, कभी कहीं पर भी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, प्राइस नीचे ट्रेड करो अप साइड में ट्रेड करो, ऐसा नहीं करना है। एक बेसिक ट्रेंड हमको देख लेना है, वो डाउन में है या फिर अप में है, प्राइस का बेसिक ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिशियर हो मार्केट में काफी देर से तो ये सारे पॉइंट्स अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे। फिलहाल आज का अपना ये टॉपिक नहीं है। बेसिक ट्रेंड अगर डाउन है तो हमें उसके अंदर बाइंग नहीं देखनी है। अब शॉर्ट करना है नहीं ये मार्केट बताएगी, ये नहीं है कि बेसिक ट्रेंड शॉर्ट है या बेसिक ट्रेंड हमारा डाउन का है तो हम उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर बेसिक ट्रेंड हमारा डाउन का है तो हमें बाइंग नहीं करनी है, या फिर बेसिक ट्रेंड अगर हमारा अप डायरेक्शन का है, अप मूव का है, तो उसके अंदर हमें सेलिंग नहीं करनी। अप में हमें बाई करना है या फिर डाउन में सेल करना, ऐसा नहीं होगा। अगर बेसिक ट्रेंड हमारा अप का है तो हमें सेल नहीं करना। अब बाइंग करना है या नहीं ये हमें मार्केट बताएगी कि बेसिक ट्रेंड जो मेरा है ये डाउन ट्रेंड का है। प्राइस की मूवमेंट होने दीजिए, उसको कहीं पर भी अगर मूव करना है ना उसको मूव करने दो, हमें कुछ नहीं करना है। वेट करना है अपने प्राइस डायरेक्शन का। प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है, जाने दीजिए हमें मतलब नहीं है उससे। प्राइस अगर डाउन की तरफ गिर रहा है, जाने दीजिए हमें मतलब नहीं है उससे। हमें वेट करना है अपने प्राइस एक्शन का। सेकंड रूल, वेट फॉर योर प्राइस एक्शन। डाउन की तरफ होते हुए भी प्राइस के अंदर हमें एक्टिविटी तब करनी है जब ये प्राइस हमारा
एक मूविंग एवरेज से टच हो रहा हो। प्राइस जैसे ही आपका आपकी मूविंग एवरेज से टच होगा यहाँ पर अवेयर हो जाना है। दूसरी चीज, प्राइस जैसे ही आपका आपकी मूविंग एवरेज से टच होगा आपको अवेयर हो जाना है। बट क्या मूविंग एवरेज से टच हो गया हम शॉर्ट कर दें? नहीं, हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें वेट करना है अपनी फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन कौन सी होगी कि डाउन साइड की तरफ प्राइस हमारा गिरा है, इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न हम लोग देखेंगे। डाउन साइड की तरफ गिरते हुए प्राइस जब इस तरह से रुकने लगे, मूविंग एवरेज से टच हो जाने के बाद में उसने देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डबल कंफर्मेशन ली है कि प्राइस के जो ब्रेकआउट है यहाँ पर प्राइस हमारा टच हुआ। टच हो जाने के बाद में जब ये डाउन साइड की तरफ गिरने लगा यहां से, तब हमने इसके अंदर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड की डाउन साइड के लिए। पहली कंफर्मेशन हमारी है कि प्राइस मेरा मेरी मूविंग एवरेज से टच हो रहा है, एंड सेकंड कंफर्मेशन प्राइस मेरे सपोर्ट लेवल्स को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट इन द सेंस कि फ्लैग में आपको मालूम होगा प्राइस जब डाउन साइड की तरफ गिर रहा है तो इसके अंदर ये जो रिट्रेसमेंट आती है ना लोअर हाइज, एक्चुअली इन्हीं को फ्लैग पैटर्न में फ्लैग बोला जाता है। और जैसे ये फ्लैग पैटर्न, अब यहां से अगर प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, हमें तो करना ही नहीं है, हम बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेल हमें करना है। सेल की ये अपॉर्चुनिटी के लिए जैसे प्राइस मेरी मूविंग एवरेज से टकरा जाने के बाद में जब ये डाउन साइड की तरफ गिरेगा तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ आएगा आपको यहाँ से शॉर्ट करना होगा वापस डाउन साइड की तरफ, और फिर से इसके अंदर हमें वेट करना है फ्लैग पैटर्न का। प्राइस अगर फ्लैग पैटर्न बनाएगा डाउन साइड की तरफ, प्राइस मेरा अगर गिरता है तो यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, और अगर यहाँ से प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ चला जाएगा तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जिससे कि क्या होगा ना आपका स्टॉप लॉस और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। एंट्रीज हमें यहाँ पर कहाँ करनी है कि जैसे ही प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ गिरा, आपकी मूविंग एवरेज से टकरा जाने के बाद में प्राइस जब अपने फ्लैग पैटर्न को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये वाली जो मेरी स्टार कैंडल है, जैसे ही प्राइस मेरा मेरी रेंज के नीचे आ जाएगा इस कैंडल के थ्रू हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, जैसे कि ये मेरा शॉर्ट करने का पॉइंट होगा, एंड अपर जो स्विंग होगा मेरा स्विंग हाई, ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। और अभी वेट करना है हमें टारगेट्स के लिए। तो टारगेट आपके क्या दो तरीके हो सकते हैं टारगेट्स के। सबसे पहला तो आपका टारगेट होगा कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या है। अगर आपका एक रुपए का रिस्क है तो आपको दो रुपए का टारगेट लेना है, या एक रुपए का रिस्क है तो तीन रुपए का टारगेट लेना है। हम यहाँ पर बोलेंगे ये मेरा मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट है, ना कि कोई टेक्निकली। एंड सेकंड टारगेट जो हमारा निकलता है वो होगा मेरा टेक्निकली टारगेट, मतलब कि यहाँ पर किसी आरआर रेशियो का हमने वेट नहीं किया, या फिर हमने किसी मनी मैनेजमेंट का वेट नहीं किया, हमने एंट्री ली और वेट किया कि टेक्निकली हम कहाँ पर निकल सकते हैं। तो टेक्निकली भी जब आप निकलिए तो मेरी ये पर्सनल सलाह आपको रहेगी कि टेक्निकली अगर आपको निकलना तो वहां पर भी आपको अपना मनी मैनेजमेंट और अपना आरआर रेशियो देख लेना है। जैसे कि क्या होगा ना, टेक्निकली अगर हम अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो टारगेट्स हमें थोड़े से बड़े मिलते हैं। अपर रेंज से आपने शॉर्ट किया, प्राइस डाउन साइड की तरफ आया, जब आपका प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके अप साइड की तरफ निकल जाए और यहां पर जाकर के क्लोजिंग कर दे, आप फौरन वहां से बाहर निकल जाए। इस तरह से क्या होगा कि आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। प्राइस ने जैसे ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ प्राइस आया और अप साइड की तरफ जाकर के इसने क्लोजिंग कर दी, निकल जाइए। सेकेंड अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जब फिर से आपको कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप यहां से उसके अंदर शॉर्ट करने के लिए बैठे हो। जो स्टॉप लॉस आपका जाएगा ये स्विंग पर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, और फिर से आप वेट कीजिए कि प्राइस अगर मेरा स्विंग के ऊपर या फिर मेरी मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज कर देगा तो हम शॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज आपका एक रुपए का टारगेट है तो एक रुपए का स्टॉप लॉस है तो दो रुपए का टारगेट लेकर के चलिए। सिंपल सी चीज है। अभी चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर इसको और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सो अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। मूविंग एवरेज में जिस तरह से हमने आपको ड्राइंग में समझाया था, यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 22 है। 22 मूविंग एवरेज डाउन साइड की तरफ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एंड प्राइस के जो मूव है वो डाउन साइड। हमें देखना क्या है इसके अंदर होने वाला रिवर्सल। रिवर्सल्स के लिए हमको समझ में क्या आ रहा है कि प्राइस के अंदर ये जो डाउन साइड के मूव है, प्राइस ने अपना पैटर्न ड्रॉ किया, एंड पैटर्न ड्रॉ करने के बाद में प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिर गया, एंड प्राइस जैसे ही मेरा लो ब्रेक करेगा यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, अपर रेंज के मेरे स्टॉप लॉसेस होंगे और टारगेट्स जैसे हमने बताए उस तरह से अपने टारगेट्स यहाँ पर बुक कर सकते हो। सो प्राइस के जो बेसिक रूल है कि प्राइस मेरा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और गिरती हुई मार्केट में जब प्राइस हमारा फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करेगा, एंड प्राइस जैसे ही मेरी रेंज मेरे मूविंग एवरेज से टकराएगा यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं, ये मदरसन सुमी का चार्ट है। प्राइस का जो बेसिक ट्रेंड हमको समझ में आ रहा है ये अप ट्रेंड में है। अपर मूव दिखाते हुए प्राइस ने देखिए क्या किया है, एक डाउन इसके अंदर फॉल आया,
और ये जो डाउनफॉल था इसने मेरा एक फ्लैग पैटर्न बना करके कंप्लीट कर दिया। और जैसे फ्लैग पैटर्न मेरा अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ से हम इसके अंदर अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। जैसे जैसे देखिए वापस देखिए प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया, इसने फिर से एक हमारा फॉर्मेशन बना करके कंप्लीट की। जैसे उस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हुआ, यहाँ से फिर से हम बाइंग करेंगे एंड ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा आगे की तरफ। लेकिन इसके अंदर जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट है, वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। हम अपने सभी वीडियोस में ये चीज़ बोलते हैं कि आप चाहे जितनी भी अच्छी तरह से अपनी टेक्निकली या परफेक्ट हो, फंडामेंटली या परफेक्ट हो, लेकिन एक पॉइंट अगर मनी मैनेजमेंट बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी लाइव ट्रेड्स की वीडियो देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे वीडियोज वहाँ पर हमने दे रखे हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। आप मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग में हम वहाँ पर कुछ स्टॉक्स देते हैं जिनको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।